हेलो व्हाट्स अप गाइस। तो हम आज की आपके लिए एक न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर से, और आज की वीडियो के अंदर हम अनबॉक्स करेंगे मेवी रोम 2 की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ ऐसा बॉक्स देखने को मिलता है जहां पर आपको पीछे कुछ की हाईलाइट स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाती है, जस्ट लाइक आप दो स्पीकर्स को एक साथ पेयर कर सकते हो, जो कि मैं आपको वीडियो में करके दिखाऊंगा। और साथ में 2000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिलती है, और मेनली ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, साथ में वाटर और डस्ट प्रूफ भी है। और मेवी का जो टिपिकल मतलब की ब्लैक एंड नियॉन कलर का बॉक्स है, काफी ज्यादा यूनिक लगता है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इसका कंप्लीट मतलब कि अनबॉक्सिंग और एक रिव्यू देने वाला हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी एक बार कंप्लीटली इसको अनबॉक्स कर लेता हूं। सो जो हमने ऊपर की पॉलीथीन है वो निकाल ली है, तो कुछ ऐसा बॉक्स देखने को मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बॉक्स को ओपन कर लेता हूं, और सबसे ऊपर आपको एक लीफलेट देखने को मिल जाती है। और आई थिंक इस लीफलेट के अंदर आपको मतलब कि जो यूज़र मैनुअल्स वगैरह हैं या फिर जो मीवी का मतलब कि वारंटी कार्ड वगैरह होगा वो देखने को मिल जाएगा। तो मैं इसको एक बार ओपन कर लेता हूं। तो यहाँ पर आपको वही मैनुअल्स वगैरह ही है जो कि हम पढ़ते नहीं है, तो हम इसको साइड में रख देते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आपको वारंटी के लिए अप्लाई करने के लिए रजिस्ट्रेशन स्टेप भी बता रखे हैं, वो आप रजिस्टर कर सकते हो। अब हमारा जो मेन स्पीकर है वो मिल जाता है, और एक मैंने पहले ही अनबॉक्स कर लिया था, ये मेरा सेकंड, जो मैंने दो मंगवाए थे उसमें सेकंड वाला है। तो दोनों का कलर सेम ही है, इसमें आप देख सकते हो थोड़ा पर्पल पर्पल कलर का कलर है ये, और मेरे को सेल में यही मिला। मतलब कि दूसरा कलर मैंने ट्राई किया था कि दोनों अलग अलग कलर के हो, बट मेरे को एक ही कलर मिला। और ये कुछ ऐसा डिज़ाइन देखने को मिल जाता है आपका स्पीकर का, और साथ में नीचे आपको एक ऑक्स केबल और एक चार्जिंग केबल देखने को मिल जाती है माइक्रो USB वाली। इसमें टाइप सी नहीं है, टाइप सी होता तो और अच्छा हो जाता। तो ये कुछ आपको बॉक्स कंटेंट्स देखने को मिल जाते हैं, और बॉक्स के अंदर कुछ नहीं है। पैकेजिंग काफ़ी बढ़िया थी, मेरे को पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी मीवी की ये पैकेजिंग। तो कुछ ये है आपका स्पीकर, जो सामने से आपको एक मैट फिनिश देखने को मिलती है एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ, और साइड में आपको एक रबराइज मतलब कि पूरा केसिंग देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से आपके स्क्रैचेस वगैरह कुछ भी नहीं लगेंगे। और उसी दूसरे साइड में आपको ये देखने को मिल जाता है जहाँ पर आपको एक ऑक्स केबल और एक माइक्रो USB केबल मतलब कि चार्जिंग और दूसरे स्पीकर से कनेक्ट करने के लिए देखने को मिलता है। सो जो आपने अनबॉक्सिंग और जो बॉक्स के ऊपर कंटेंट्स वगैरह लिख रखे थे सारे सारे आपने पढ़ लिए। तो ये जो स्पीकर है मैंने दो बाय किए थे, और मैंने लगभग 4-5 दिन हो गए इनको यूज़ करते हुए। देख सकते हो मेरे पास दोनों के दोनों अभी यहाँ पर ही रखे हुए हैं। तो मैंने इनको अच्छे तरीके से यूज़ किया है हर कंडीशन में, और हर टाइप के जो सॉन्ग्स वगैरह उनको प्ले करके देखा है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, इनकी साउंड क्वालिटी कैसी है, बिल्ड क्वालिटी कैसी है। तो उससे पहले अगर आपको जो स्टार्टिंग वाला सीक्वेंस है अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर गिव अवे भी चल रहा है, अगर उसमें पार्ट लेना चाहते हो तो पर आपको कार्ड में वीडियो मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हो। सो चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसकी बिल्ड क्वालिटी और जो फिजिकल अपीयरेंस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बिल्ड क्वालिटी मतलब कि इतनी बढ़िया है, इस प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है। जो आपको स्टार्टिंग में मैश देखने को मिलता है, जो स्पीकर के ऊपर मैश लगा हुआ है वो बिल्कुल ओरिजिनली मतलब कि आपको एल्यूमिनियम का देखने को मिलता है। मैं आपको जैसे स्क्रैच करके भी दिखा दूंगा, तो आप देख सकते हो कि जो बिल्कुल एक्चुअली में आपको मतलब कि मेटल ग्रिल देखने को मिलती है, कोई प्लास्टिक ग्रिल नहीं है जिसके ऊपर मेटल कलर का पेंट किया हो, एक्चुअली में आपको जो मेटल ग्रिल है वही देखने को मिलती है। और जो स्पीकर्स का साइड में है ना, आपको रबराइज मटेरियल देखने को मिलता है, जिसकी मदद से अगर आप कहीं पर भी रखते हो इनको तो नीचे से कोई स्क्रैच वगैरह नहीं आएंगे। और नीचे रखने के लिए यहाँ पर आपको छोटे छोटे देख सकते हो आपको कुछ डॉट्स भी देखने को मिलते हैं। और इनकी मदद से अगर आप स्पीकर को कुछ ऐसे सरफेस पर रखते हो जहाँ पर आपको मतलब कि थोड़े पत्थर टाइप के सरफेस है, तो ये उससे प्रोटेक्ट करेंगे इजिली। तो जो ओवरऑल स्पीकर है काफ़ी कम्पैक्ट है, और कहीं से भी आपको ऐसी ओपनिंग देखने को नहीं मिलती जहाँ से वाटर अंदर जा सकता है, इसीलिए वाटर मतलब कि रेजिस्टेंट है, वाटर प्रूफ नहीं है, वाटर रेजिस्टेंट है, अलग अलग टर्म्स होती है दोनों। तो मतलब कि फ्रंट में आपको मेटल ग्रिल देखने को मिल जाती है, और जो पूरा स्पीकर है आपको एक रबराइज बिल्ड में देखने को मिलता है, जिससे कि आपको एक सॉलिड ग्रिप मिल, जिस वजह से आप इसको इजीली पकड़ सकते हो, आपकी ग्रिप है वो काफी अच्छी रहेगी स्पीकर के ऊपर। तो फिजिकल अपीयरेंस और जो बिल्ड क्वालिटी है टॉप नोच है इस प्राइस रेंज के अंदर। मेरे को ये जो अमेज़न की अभी सेल चल रही है करंटली, वहां पर 900 रुपए का मिला था, तो मैंने दो स्पीकर खरीदे थे, क्योंकि यहां पर आपको एक फीचर देखने को मिलता है कि आप दो स्पीकर को एक साथ कनेक्ट कर सकते हो, जिसकी मदद से आपको सराउंड साउंड का एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। तो मैंने ये ट्राई करने के लिए दोनों बाय किए थे, और वीडियो के अंदर मैं आपको इसको भी डेमो दिखाऊंगा। अब बात कर लेते हैं इसके बटन्स वगैरह की, और जो आप इसको कैसे यूज कर सकते हो। सो जो स्पीकर है वो हमने पेयर कर लिया है, और मेरे में गलती से दिक्कत ही हो रही थी, मेरे में दो है तो इस वजह से दूसरा पेयर कर रहा था मैं। सो अगर कुछ बटन्स की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक पावर का बटन देखने को मिल जाता है, जिससे कि आप जो स्पीकर है उसको पावर ऑन ऑफ कर सकते हो। सेकंड बटन है आपका प्ले और पॉज का, तो अगर मैं आपको प्ले करके दिखाऊं तो यहां से मैं ट्यून को प्ले कर सकता हूं, साथ में ही आपको पॉज भी कर सकते हो। और यहां पर आपको वॉल्यूम प्लस और माइनस के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि आप जो वॉल्यूम है उसको बढ़ा सकते हो।
और उसको मतलब कि डिक्रीज़ भी कर सकते हो। तो ये तो थे चार जो बटन्स आपको देखने को मिलते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो, और साथ में आपको एक नोब देखने को मिल जाती है जिसकी मदद से आप इसको मतलब कि पकड़ सकते हो या फिर कहीं पर भी हैंग कर सकते हो। जस्ट लाइक अगर आप कहीं पर घूमने वगैरह जा रहे हो तो इसको आप अपने बैग में मतलब ऐसे लटका सकते हो, तो मतलब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको हाथ में पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो अब हमारी लास्ट चीज़ की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारी साउंड क्वालिटी। तो साउंड क्वालिटी यार है ना ऐसे वीडियो में बता नहीं सकता, मतलब कि मैं जैसे बोया का माइक यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं और अच्छा माइक यूज़ करता तो आपको और अच्छी साउंड क्वालिटी आती, और शायद पता ही नहीं आप कौन सी ईयरफोन में सुन रहे हो, तो हर ईयरफोन में डिफरेंट डिफरेंट साउंड क्वालिटी आती है। फिर भी मैं आपको एक डेमो दे देता हूँ कि आपको जो साउंड क्वालिटी है कैसी मिलेगी इन स्पीकर्स के अंदर, और जो सराउंड साउंड है वो भी मैं आपको प्ले करके दिखाऊंगा, और उनको कैसे प्ले करते हैं वो भी मैं इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। और मैं अगर आपको साउंड क्वालिटी टेस्ट करवाऊँ इसकी, तो यहाँ पर आपको बटन्स तो देखने को मिलते ही हैं, साथ में आपको एक रबर फ्रेम देखने को मिलता है, और अगर इस साइड की बात करें तो आपको एक ऑक्स केबल और एक माइक्रो यूएसबी चार्जिंग पॉइंट देखने को मिल जाता है जिससे कि आप इसको चार्ज कर सकते हो, या फिर अगर आपके में बैटरी नहीं है तो आप ऑक्स के थ्रू डायरेक्ट मोबाइल से कनेक्ट करके इसको यूज़ कर सकते हो। और ये आपको एक माइक्रोफोन देखने को मिलता है, अगर आपका जैसे कि स्पीकर कनेक्ट है और अगर आपके पास कोई कॉल आ जाती है तो आप डायरेक्ट उसको यहाँ से आंसर कर सकते हो, इसलिए यहाँ पर आपको एक माइक्रोफोन भी दिया गया है। और अब जो दोनों स्पीकर्स हैं उनको मैंने कनेक्ट कर लिया है। कनेक्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, दोनों स्पीकर्स ऑन करना है, अपने आप पेयर हो जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, और मोबाइल से आपको कोई भी सॉन्ग प्ले कर लेना है। जस्ट लाइक मैं यही कर देता हूँ। तो अब की बार ये दोनों स्पीकर्स में चल रहा है, तो आपको कैसे पता लगेगा मैं बार आपको माइक लेके पास जाके दिखा देता हूँ। और आपको माइक में है ना सराउंड साउंड का इतना पता नहीं लगेगा, मैंने एडिट के टाइम पे देखा है, तो इस वजह से आपको जो सिंपल साउंड क्वालिटी है वही सुनाई देगी, क्योंकि जो सराउंड साउंड है वो माइक कैप्चर नहीं करता है। जो और महंगे माइक आते हैं रोड वगैरह के वो कैप्चर करते हैं, बट मेरा सिंपल माइक है, तो कुछ ऐसी साउंड क्वालिटी देखने को मिलती है आपको मीवी रोम 2 के अंदर। और मेरा पर्सनल सजेशन है अगर आप मतलब कि दो स्पीकर बाय कर सकते हो तो डेफिनेटली दो बाय करना, क्योंकि सराउंड साउंड आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। तो ये आपने देख लिया कि आपको साउंड क्वालिटी कैसे देखने को मिलती है, दोनों स्पीकर में काफ़ी अच्छी मिलती है, और जो सराउंड साउंड अगर आप यूज़ करते हो दोनों स्पीकर्स को पेयर करके तो आपको काफ़ी बेटर देखने को मिलता है, आपको लगेगा कि आपके चारों तरफ से आवाज आ रही है, तो मतलब काफी बेटर एक्सपीरियंस था, इसी वजह से मैंने दोनों को बाय किया था, नहीं तो मैं एक भी बाय कर सकता था। बट दोनों अगर आप बाय करते हो दो स्पीकर तो आपको एक बेटर साउंड क्वालिटी मिलेगी, और सिंगल स्पीकर में तो आपको ऐसा ही लगेगा जैसे आप सिंगल स्पीकर नॉर्मली सुनते हो, बट सराउंड में आपको थोड़ा एक अलग यूनिक चीज फील होगी, वो शायद अगर आपने हेडफोन लगा रखे होंगे तो आपने मतलब फील कर लिया होगा जो मैंने आपको टेस्ट करके दिखाया उसके अंदर। सो आई होप मैंने इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे, और अगर आप इनको बाय करने जा रहे हो तो डेफिनेटली जो ये रिव्यू है इसको कंसिडर कर लेना, क्योंकि मैंने आपको जो मेन पॉइंट है सारे क्लियर कर दिए जो मेनली एक ब्लूटूथ स्पीकर के अंदर होने चाहिए। सो ये थी सिंपल शॉर्ट वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस इन फ्यूचर में आपके लिए लेके आता रहूं।